दोस्तों, जो लोग सोशल मीडिया पर गिद्ध जैसी नजर गड़ाए रहते हैं, उन्होंने मलाइका अरोरा की एक क्लिप जरूर देखी होगी जो कि 2-3 साल पुरानी है और नेहा धूपिया इट्स हर चॉइस वाली आंटी उसके चैट शो की है। इस वीडियो का जो मुद्दा है उसे शुरू करने से पहले बता दें कि जो शक्ति कपूर टाइप के लोग हैं उन्हें वीडियो में कही हुई बातें थोड़ी सी अश्लील लग सकती हैं, लेकिन जो आलोक ना टाइप के लोग हैं वो ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि हम सिर्फ एक नैरेटर हैं, लेकिन शब्द किसी और के हैं। शब्दों को ज्यों का त्यों बोलना हमारी मजबूरी है ताकि हर किसी को ये समझ में आए कि किस तरह के लोगों को अपना हीरो और अपना आइडल बनाकर बैठे हैं। अभी 2-3 साल पहले मलाइका अरोरा नेहा धूपिया के चैट शो में गई थी। नेहा धूपिया के चैट शो में भी वही सब होता है जो कॉफी विद करण में होता है, यानी अश्लील सवाल पूछना, विवाद क्रिएट करना, लेकिन थोड़ा फेमिनिस्ट का नकाब पहनकर। मलाइका शो में गई तो उससे रिलेशन और पहली शादी को लेकर नेहा धूपिया ने सवाल पूछे। साथ ही ये भी पूछा कि मलाइका अरोरा को किस तरह के लड़के पसंद हैं। मलाइका ने कहा कि उसकी पहली शादी बहुत ज्यादा बोरिंग हो गई थी, रोमांस खत्म हो गया था और उससे बाहर आना बहुत जरूरी था क्योंकि उसे हर रात प्यार चाहिए। मलाइका ने आगे कहा कि अरबाज और उसके बीच में रिलेशन बनने बिल्कुल बंद हो गए थे और वो इससे डिप्रेशन में आ गई थी, इसीलिए ये भी एक कारण था कि वो उस शादी को तोड़कर बाहर आ गई। मलाइका ने कहा कि उसी दौरान अर्जुन से उसकी दोस्ती हुई और फिर प्यार हो गया और वो अर्जुन कपूर की एनर्जी देखकर उस पर फिदा हो गई। मलाइका ने कहा कि अर्जुन सेक्स करने में बहुत एनर्जेटिक है और वो पूरी रात उसे प्यार करता है बिना रुके हुए। उसे वैसा ही पार्टनर चाहिए था जो पूरी रात उसे बिना रुके बिना डरे प्यार करे और उसे सोने न दे। इसके बाद नेहा धूपिया ने पूछा कि उसे कौन सी सेक्स पोजीशन पसंद है। इस पर मलाइका ने कहा कि उसे ऊपर रहना पसंद है, वो हर बार ऊपर रहना चाहती है और ये उसे शुरू से पसंद है। मलाइका ने ये भी कहा कि वो कभी भी सिंगल नहीं रह सकती और आज तक अभी तक की लाइफ में वो कभी सिंगल नहीं रही। अरबाज से शादी करने से पहले भी वो हमेशा रिलेशन में रही थी और वो प्यार के बिना रात में रह ही नहीं सकती। प्यार से मतलब हवस शांत करने से है। ये लोग हवस को ही प्यार का नाम देते हैं, तो हम जहाँ जहाँ प्यार बोले वहाँ आप हवस समझना। इसलिए आप कंफ्यूज ना हो कि ये प्यार में ये सब कुछ करती हैं। ये लोग प्यार में ये सब नहीं करते, ये जिस तरह की बातें कर रही है उसे हवस कहते हैं। दोस्तों, नेहा ने मलाइका से पूछा कि पहली सुहागरात ज्यादा अच्छी थी या ये वाली सुहागरात ज्यादा अच्छी है जो दूसरी शादी से पहले मन रही है। इस पर मलाइका ने कहा कि अर्जुन कपूर बहुत स्ट्रांग है, अरबाज का नेचर थोड़ा अलग है, लेकिन अर्जुन कपूर बिस्तर पर पूरी तरह से वाइल्ड हो जाता है और उसे वैसे ही लड़के पसंद आते हैं। अरबाज खान का नेचर अलग है। इससे आप ये समझिए कि आंटी ने इनडायरेक्ट वे में ये बता दिया कि अरबाज उसे खुराक देने में फेल रहा और उसमें वो बात नहीं है जो अर्जुन कपूर में दिख रही है। मतलब अरबाज में मर्दाना कमजोरी जैसी शिकायत होने की पूरी संभावना है। आंटी ने कहा कि उसे बियर्ड वाले लड़के पसंद हैं और बियर्ड वाले लड़के स्ट्रांग होते हैं, वो फुल एनर्जी के साथ सेक्स करते हैं और मुझे भी ऐसे ही रिलेशन बनाना पसंद है। ये उस औरत की बातें हैं जो 20 साल के लड़के की माँ है और जिसकी खुद की उम्र 49 ईयर्स हो चुकी है। 49 साल की एज में ये औरत सेक्स और रिलेशन के बारे में इतनी ज्यादा उतावली है, इतनी ज्यादा बातें कर रही है कि जैसे ये अभी भी कितनी प्यास में है। और प्यासा होना अलग बात है और ये एक तरह से दुनिया को बता रही है कि इसे हर रात बिस्तर पर अलादीन का चिराग देखना ही देखना है। अगर अलादीन का चिराग रोज रात में ना दिखे तो ये हवस की मारी अबला नारी 20-21 साल पुरानी शादी को तोड़ने से पहले एक बार भी नहीं सोचती। सेक्स और फिजिकल रिलेशन एक नीड है, ये एक सच्चाई है और इसे शादी के बंधन में बहुत पवित्र माना जाता है। लेकिन जिस तरह की गंदगी ये लोग फैलाते हैं और जिस तरह की मानसिकता ये लोग दिखाते हैं, उसी की वजह से आज सेक्स को हवस का नाम दिया जाता है। ये वो चीज है जो पर्दे में रहे तो ही अच्छी है और पर्दे के बाहर आती है तो उतनी ही खराब हो जाती है। लेकिन जिस तरह की गंद इन बॉलीवुडिया भांडों ने मचा रखी है वो सच में शर्म की बात है। मलाइका को करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं और कितने ही युवा लड़के लड़कियां इसे कॉपी भी करते होंगे। ऐसे फॉलोअर्स के दिमाग में भी तो यही बैठेगा कि जिंदगी में सेक्स ही सबसे जरूरी है, सेक्स नहीं तो लाइफ बेकार। काफी लोग बोलते हैं कि ये एक्ट्रेस है, ये भी इंसान है, इनके बारे में ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे लोग बताएं कि ये कहां से इंसान है। दो हाथ दो पैर होना ही इंसान होने के लिए काफी नहीं होता। दोस्तों, इंसान होने के लिए इंसानों जैसा व्यवहार होना बहुत जरूरी है। सेक्स तो कुत्ते कुतिया भी करते हैं, वो भी वाइल्ड तरीके से। जब दोनों को ही वाइल्ड तरीके से सेक्स पसंद है तो इंसान और कुत्ते कुतिया में फर्क क्या है।
पब्लिक फिगर की पर्सनल लाइफ कुछ नहीं होती, खासकर तब जब इन्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, तब इनकी हर एक एक्टिविटी पब्लिक के लिए मायने रखती है, और तब इन्हें देखकर, इन्हें सुनकर या इनके कामों से कोई इनके जैसा बनना चाहता है तो इन सो कॉल्ड हीरो हीरोइंस की एक नैतिक और सामाजिक जिम्मेदारी बनती है, और इसी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए इन्हें अपना व्यवहार बहुत ही सीमित रखना चाहिए, ताकि कोई गलत वे में उस व्यवहार को ना सीख जाए, ताकि जो लोग इनके फॉलोअर हैं, जो इनसे सीखे हैं, वो इनसे अच्छी बातें सीखें, ना कि गलत। लेकिन ये सिखा क्या रहे हैं? फेमिनिज्म के नाम पर अय्याशी, नशेबाजी, ढेर सारे अफेयर्स रखना और रिश्तों को बिल्कुल भी वैल्यू ना देना। ऐसे सो कॉल्ड हीरो हीरोइन से खुद भी बचें और आने वाली जनरेशन को भी अवेयर करें। किसी भी फील्ड में करियर बनाना गलत नहीं होता, चाहे वो फिल्म हो, मॉडलिंग हो या कोई दूसरा करियर। लेकिन जब आप थोड़े से पैसे कमा के और थोड़े से पॉपुलर होकर हवस का नंगा नाच करने लगते हैं, वो भी दुनिया के सामने, वो गलत है। इसे ऊपर रहना पसंद है, नीचे रहना पसंद है, या उल्टा लटक जाना पसंद है? मतलब इस बकवास को मीडिया में हगने की जरूरत क्या है? लेकिन इन लोगों को आदत पड़ चुकी है ऐसे ही हर जगह हगने की, क्योंकि इन्हें पता है कि इससे इन्हें 4-6 दिन की चीप पॉपुलैरिटी मिल जाएगी, इनकी चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन ये लोग इतना नहीं समझते कि इनके ऐसे बयानों से इनका कैरेक्टर भी लोगों के सामने आ जाता है। इस तरह की सारी एक्ट्रेसेस जो अपने आप को सती सावित्री दिखाने की कोशिश करती हैं, इनकी औकात 2 पैसे की नहीं होती। मलाइका के इस इंटरव्यू पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। अगर आप भी हमारे विचारों से सहमत हैं तो खबर को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। वो बेचारे गरीब साधुओं की चीख तुमको महंगी पड़ेगी। एक बेचारी लड़की जिसको 13वां फ्लोर से पटक कर मारा गया, उसकी चीख तुमको महंगी पड़ेगी। तुमको सुशांत का जो है दर्द महंगा पड़ेगा। ठीक है साहब, आपने जाके घर तोड़े थे कंगना रावत के और आप 7वें आसमान पे चढ़ गए थे, वो आपको महंगा पड़ेगा। वाजे को हीरो बना के रखा हुआ था कि हमारे लिए चोरी डकैती और वसूली कर रहा है, हमारे लिए लोगों की पिटाई कर रहा है, हमारे लिए सुसाइड पे सुसाइड दिखा रहा है। ये अर्नब, वो साधुओं की चीख इनको महंगी पड़ेगी। तुम समझते हो ऊपर वाले के काम नहीं है, तुमको महंगी पड़ेगी। ये जो कठपुतली मास्टर, ये तो वाजे तो एक मोहरा था जो इन्होंने पहले सैक्रिफाइस किया है, नंबर 1 सैक्रिफाइस किया है, और आज बेशर्मी से दांत दिखाकर हंस रहे हैं। पटक दिया तुमने एक लड़की को 13वीं मंजिल से, और मैं और सुसाइड हो गई, और मैं मनसुख की भी सुसाइड हुई है। साहब की बात सुनना चाहता हूँ, मनसुख की भी सुसाइड हुई है ना, हाँ 13वीं मंजिल से पटका ना, सुसाइड है साहब, सुसाइड ही सुसाइड महाराष्ट्र में, जेल बख्शे, सुसाइड ही सुसाइड हो रही है महाराष्ट्र में। अर्नब को भी सुसाइड कराना चाहते थे ना, अब करा सुसाइड तुम, तुमको तुम्हारे कुकर्म महंगे पड़ेंगे। तुम समझते हो भारत की जनता बेवकूफ है? आप समझते हैं भारत की जनता बेवकूफ है कि आप हंस लेंगे हमारे ऊपर? हमेशा कहता हूं, ना 1 हो, ना 2 हो, ना 3 हो, ना कते कभी कोई विश्वासघात ना हो भारत के लोगों के साथ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में अभी तक कई सवाल है मेरे मन में, आज्ञा दे तो वो सवाल भी करूंगा मैं, मगर आज मौका नहीं है वो। मगर ये ना भूले सुधांशु जी कि भारत की जनता सुशांत सिंह राजपूत के केस में सीबीआई क्या कर रही है या उससे ज्यादा क्या नहीं कर रही है, उस पर सवाल करना बंद करेगी। सवाल भारत की जनता करेगी, और भारत की जनता की सवाल उनके सामने मैं रखूंगा और आपके सामने भी रखूंगा। देखिए सवाल क्या है मेरे सवाल को आप राजनीतिक रंग, इन्होंने सोचा था सौरभ शाह पालघर की कवरेज हम बंद करेंगे और सुशांत सिंह राजपूत के लिए सच्चाई की लड़ाई हम छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे। यही कारण था ना इनका, सौरभ शाह जी, ये लोगों ने कवरेज बंद हो, अर्नब जी यही तकलीफ थी उनकी, ये लोगों ने कि हमारे प्रोग्राम पे आकर ये लोगों साधु, वो बेचारे गरीब साधुओं की चीख तुमको महंगी पड़ेगी। एक बेचारी लड़की जिसको 13वां फ्लोर से पटक कर मारा गया, उसकी चीख तुमको महंगी पड़ेगी। तुमको सुशांत का जो है दर्द महंगा पड़े। ठीक है साहब,
आपने जाके घर तोड़े थे कंगना रावत के, और आप